और मुझको शेर याद आ रहा था कि किस किस रावण की तोड़ूं टांगे और किस किस लंका में आग लगाऊं, किस किस रावण की तोड़ूं टांगे किस किस लंका में आग लगाऊं, हर घर रावण घर घर लंका, इतने राम कहां से लाऊं। घर घर रावण हर घर लंका, इतने राम कहां से लाऊं। आप बेहतरीन शेर पढ़कर रुखसत हुए। एक और आपने नया नया औरब से कमा के आया है, बड़ा तंजिया अंदाज में आपने पेश किया। एक शायर कहता है कि सफर ये हवाई सलामत रहे, अरब की कमाई सलामत रहे। सफर ये हवाई सलामत रहे, अरब की कमाई सलामत रहे, आ इधर भाई भाई सलामत रहे, आ उधर दिल में खाई सलामत रहे। अब मेरी बकरियां हो गई जन्नती, सलामत कसाई सलामत रहे। ये अभी मुमताज़ अनवर साहब रुखसत हुए। आइए, मैं चाहता हूं कि मुशायरे को मेहमान शोरा की तरफ भी मोड़ा जाए और हमारे बीच एक नौजवान शायर जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली का तालिब इल्म, नई नस्ल की नुमाइंदगी करने वाला शायर, मुनफरिद लबो लहजा का शायर, अपने शेरों में तारीखी शवाहिद पेश करने का माहिर, उभरता हुआ शायर जनाबे अकमल बलराम पूरी को मैं इन चार मिसरों से आवाज़ देना चाहता हूँ कि मीरो गालिब सा सुखनवर नहीं आने वाला, मीरो गालिब सा सुखनवर नहीं आने वाला, अब ज़माना वो पलट कर नहीं आने वाला, अब हमें खुद ही कोई राह बनानी होगी, अब हमें खुद ही कोई राह बनानी होगी, अब कोई मील का पत्थर नहीं आने वाला। जनाबे अकमल बलराम पूरी, आपकी समातों के हवाले, आप इनका भरपूर इस्तेमाल करें और इनकी दमदार शायरी का मज़ा उठाएं। जनाबे बलराम अकमल बलराम पूरी, आइए इसे थोड़ा सा नीचे को हल्का सा, चलिए ठीक, नीचे नीचे करो, नीचे करो, हाँ अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। ये कलकत्ता में मेरी तीसरी हाज़री है, मगर आपके शहर में मैं पहली बार आया हूँ। और यकीन जानिए, जब सिकंदर नाज भाई का और खुर्रम ख़ान राजू भाई का फ़ोन आया, तो फिर जब बड़ा भाई कहता है आने के लिए तो छोटे भाई को आना पड़ता है। कलकत्ता इस शहर को कौन नहीं जानता है, हिंदुस्तान की पहली राजधानी रही है ये। और उर्दू अदब के एक बहुत बड़े शायर गालिब ने लिखा है कि तकरीबन 150 साल पहले जब वो कलकत्ता आए थे तो उन्होंने कहा कि बंगाल की एक बहुत अच्छी जगह है और कलकत्ता जैसा शहर तो पूरे रुए ज़मीन पर नहीं है, यहाँ की खाक नशीनी यहाँ की हुक्मरानी से बेहतर है। क्या बात है। चार मिसरे पढ़ता हूँ, आप तमाम दोस्तों की नज़र करता हूँ इरशाद, और स्टेज पे जितने भी जो मेरे दोस्त हैं गुड्डू हयात भाई, मोहम्मद जाहिद चचा, इमरान भाई, आदिल भाई और भी तमाम दोस्त, कि मोहब्बत 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 और वफादारी की हर तरतीब जिंदा है। पहले कलकत्ता की नज़र, वाह वाह, मोहब्बत मोहब्बत और वफादारी की हर तरतीब जिंदा है, जो रोतों को हंसा दे वो अभी तरकीब जिंदा है। मोहब्बत मोहब्बत और वफादारी की हर तरतीब जिंदा है, जो रोतों को हंसा दे वो अभी तरकीब जिंदा है। तुम्हें हम कलकत्ता की खूबियां बतलाएं क्या लोगों, बस इतना जान लो इस शहर की तहजीब जिंदा है। बस इतना जान लो इस शहर की तहजीब जिंदा है। मोहब्बत और वफादारी की हर तरतीब जिंदा है, जो रोतों को हंसा दे वो अभी तरकीब जिंदा है। तुम्हें हम कलकत्ता की खूबियां बतलाएं क्या लोगों,
बस इतना जान लो इस शहर की तहजीब जिंदा है। चंद अशार भी पढ़ूंगा, उसके बाद आप तमाम दोस्तों को वो सब सुनाऊंगा जो मैं सुनाने की भी मूड में हूं, आप सुनने के मूड में हैं। कि याद करते हुए आंखों में नमी ढूंढेगा, याद करते हुए आंखों में नमी ढूंढेगा। सिकंदर भाई, याद करते हुए आंखों में नमी ढूंढेगा, मुझको मालूम है वो मुझ में कमी ढूंढेगा, कामयाबी की हर एक सीढ़ी मुबारक हो उसे, एक दिन उतरेगा नीचे तो जमी ढूंढेगा, एक दिन उतरेगा नीचे तो जमी ढूंढेगा। और शेर है कि जुल्म के सामने जो लोग नहीं झुकते हैं वो बुलंदी पे पहुंचकर भी नहीं रुकते हैं, जुल्म के सामने जो लोग नहीं झुकते हैं वो बुलंदी पे पहुंचकर भी नहीं रुकते हैं। सिर्फ एहसास बदलना है जमाने का मुझे, जो मुखालिफ है मेरे दोस्त भी हो सकते हैं, जो मुखालिफ है मेरे दोस्त भी हो सकते हैं। चार मिसरों से अब मैं शुरुआत करता हूं कि जो आप सुनना चाहते हैं, कभी आसाम जलता है कभी गुजरात जलता है, जो इधर के जो दोस्त हैं मेरे सामने सबकी शिरकत चाहता हूं। कभी आसाम जलता है कभी गुजरात जलता है, चिरागों में हमारा भी लहू दिन रात जलता है। कभी आसाम जलता है कभी गुजरात जलता है, चिरागों में हमारा भी लहू दिन रात जलता है। हमारे रहनुमाओं जाओ अब ऐवान में कह दो कि एक मासूम सा बच्चा भी माँ के साथ जलता है, कि एक मासूम सा बच्चा भी माँ के साथ जलता है। बिखरी लाशों से जो बच्चों के गुजर जाते हैं, बिखरी लाशों से जो बच्चों के गुजर जाते हैं, हाँ उन्हें फूलों का हर हार दिया जाता है। मौजूदा हालात को अपनी नजर में रखिए कि बिखरी लाशों से जो बच्चों के गुजर जाते हैं, हाँ उन्हें फूलों का हर हार दिया जाता है। अपनी धड़कन में जो भारत को लिए फिरते हैं उनको एनकाउंटर में मार दिया जाता है। बिखरी लाशों से जो बच्चों के गुजर जाते हैं, हाँ उन्हें फूलों का हर हार दिया जाता है। अपनी धड़कन में जो भारत को लिए फिरते हैं उनको एनकाउंटर में मार दिया जाता है। चार मिसरा और पढ़ता हूं जो बिल्कुल सच है, आपने महसूस किया होगा अखबार की सुर्खियों से कि जो है आतंकी बहुत आपको कम मिलते हैं, जो है आतंकी बहुत आपको कम मिलते हैं, आपको मुस्लिम घरानों से ही बम मिलते हैं। जो है आतंकी बहुत आपको कम मिलते हैं, आपको मुस्लिम घरानों से ही बम मिलते हैं। मेरे मुंसिफ ये सितम रोज किया जाता है, जब तुझे कोई नहीं मिलता है हम मिलते हैं, जब तुझे कोई नहीं मिलता है हम मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, क्या बात है। चार मिसरे और पढ़ूंगा, पढ़ दीजिए। और मैं चाहता हूं जो मेरे दोस्त यहां से वहां तक मौजूद हैं सबकी शिरकत चाहता हूं। बहुत सारे मेरे दोस्त यहाँ पे पॉलिटिकल भी आए हैं, मोहम्मद जहांगीर भाई, कोकम मुदस्सिर, इम्तियाज भाई वगैरह। और जहाँ तक पॉलिटिक्स का मामला, तो आपको बता दूँ उत्तर प्रदेश में अभी कुछ दिनों पहले इलेक्शन हुए हैं, एक नेताजी को सिर्फ 3 वोट मिले, तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर लिखा कि मुझे Z+ की सिक्योरिटी चाहिए। सिकंदर भाई, क्या बात, उन्होंने कहा मुझे Z+ की सिक्योरिटी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जाँच करा के कहा कि नेताजी आपको तो सिर्फ 3 ही वोट मिले हैं, फिर भला आपको सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है। तो नेताजी ने कहा जिस शहर में लोग मेरे इतने खिलाफ हों वहाँ पे तो मुझे सिक्योरिटी मिलनी ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वाह 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 वाह। एक नज़्म पढ़ता हूँ, बिल्कुल नई लिखी है, और यकीन जानिए यहाँ पे जब आया और जो कुछ महसूस किया, मैंने सोचा 15 अगस्त है और तकरीबन हर साल हमसे हमारी वतन परस्ती का सबूत मांगा जाता है, तो मुझे ये नज्म लिखनी चाहिए। पढ़ता हूँ राजू भाई, कहीं जहां कहीं भी हो आपकी नजर करता हूं। कौन कहता है कि इस देश के गद्दार रहे, कौन कहता है कि इस देश के गद्दार रहे,
बहसे जामिया मिलिया का स्टूडेंट, कौन कहता है कि इस देश के गद्दार रहे, हम मुसलमान हमेशा से वफादार रहे, हम मुसलमान हमेशा से वफादार रहे। बंद पढ़ता हूँ, बिल्कुल सच्चाई है ये शाम, एक शाम भाईचारा के नाम से भी है और इमरान भाई के भी नाम से है। यहाँ पे मेरे बहुत सारे हिंदू दोस्त भी मौजूद हैं जो मुझे सुनने आए हैं। ये बंद में उनकी उनको नज़र करता हूँ। भाईचारा मोहब्बत में बहाया है लहू, सरजमी हिंद की अजमत में बहाया है लहू, भाईचारा मोहब्बत में बहाया है लहू, सरजमी हिंद की अजमत में बहाया है लहू, आप मस्जिद की अजानों से बहुत चिढ़ते हैं, आप मस्जिद की अजानों से बहुत चिढ़ते हैं, हमने मंदिर की हिफाजत में बहाया है लहू, हमने मंदिर की हिफाजत में बहाया है लहू, क्यों भला आपकी नजरों में ही पुरखार रहे, हम मुसलमान हमेशा से वफादार रहे। कोकब भाई जहाँ कहीं भी हों, जहांगीर भाई, एक बंद और पढ़ता हूँ, हालात जो कुछ हैं उनको नज़र में रखिएगा। हमको मालूम नहीं होता है क्या देते हैं, मुझे भाई अपने दुश्मन को हम इस तरह बता देते हैं, हमको मालूम नहीं होता है क्या देते हैं, अपने दुश्मन को भी इस तरह बता देते हैं, हम तो वो कौम है तारीख गवाह है जिसकी, हम तो वो कौम है तारीख गवाह है जिसकी, जंग में जाते हैं कश्ती को जला देते हैं, जंग में जाते हैं कश्ती को जला देते हैं, हम तो हर दौर में भारत के तरफदार रहे, हम मुसलमान हमेशा से वफादार रहे। तीसरा बंद पढ़ता हूँ। अभी आपने गुजरात की सियासत देखी होगी, अहमद पटेल साहब जब जीत के आए तो बहुत सारे मुस्लिम लीडरों ने भी उन्हें मुबारकबाद पेश की, मगर मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आखिर उन्हें मुबारकबाद पेश क्यों किया गया, क्योंकि वो मुसलमानों के सरबराह नहीं हैं। जब बटला हाउस का इनकाउंटर होता है तब भी वो खामोश रहते हैं, और इसके अलावा जब एहसान जाफरी को मार दिया जाता है तब भी वो खामोश रहते हैं। पढ़ता हूँ, मैंने फेसबुक पे अपनी पोस्ट पे लिखा था, खून में डूबी रिवायत की जरूरत ही नहीं। जाहिर भाई क्या बात है, गुड्डू भाई वाह 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 वाह, अहमद भाई आप भी, खून में डूबी रिवायत की जरूरत ही नहीं, इस तरह दोहरे सियासत की जरूरत ही नहीं, खून में डूबी रिवायत की जरूरत ही नहीं, इस तरह दोहरे सियासत की जरूरत ही नहीं, हम पे हर जुल्म हो रे आपके खामोश हो लबे, हम पे हर जुल्म हो रे आपके खामोश हो लबे,
ऐसे कायद की कयादत की जरूरत ही नहीं, ऐसे कायद की कयादत की जरूरत ही नहीं। एक बात और कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत डरा सहमा हुआ है। हामिद अंसारी साहब ने भी कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत डरा सहमा हुआ है। उसके बाद मैंने जो लिखा पढ़ता हूं, मुझको दुश्मन से नहीं यारी से डर लगता है, जैसे गिरती हुई दीवारी से डर लगता है, मुझको दुश्मन से नहीं। भाई साहब इधर जो अफरा तफरी मचा रहे हैं, अगर आप कहें तो बैठ जाता हूं, सही से सुन लें। बहसे जामिया मिल्लिया इस्लामी यूनिवर्सिटी का तालिबे इल्म होने के नाते आपके सामने पढ़ता हूं। पढ़िए। पढ़ूं? हाँ। मुझको दुश्मन से नहीं यारी से डर लगता है, जैसे गिरती हुई दीवार से डर लगता है, जिनके सीने में ईमान की हरारत ही नहीं, जिनके सीने में ईमान की हरारत ही नहीं, उनको इस मुल्क की सरकार से डर लगता है, उनको इस मुल्क की सरकार से डर लगता है। आखिरी बंद पढ़ रहा हूं, फिर मैं बैठ जाऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि यहां पे सारे हिंदू मुस्लिम मेरे दोस्त मेरे भाई सब मौजूद हैं। और जहां तक वतन प्रस्ती की बात है तो मुसलमानों का कहना है कि अभी बंद होती आंखों के कई अरमान बाकी है, अभी बंद होती आंखों के कई अरमान बाकी है, हमारी टूटती सांसों में हिंदुस्तान बाकी है, हमारी टूटती सांसों में हिंदुस्तान बाकी है। आखिरी बंद पढ़ूंगा फिर मैं बैठ जाऊंगा। और आज़ादी जब 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस चीज को आप अपने आंखों में रखिएगा। नाम जब आया तिरंगे का तो इज्जत की है, आज जब आई है मंदिर पे हिफाजत की है, नाम जब आया तिरंगे का तो इज्जत की है, आज जब आई है मंदिर पे हिफाजत की है, हमको इस मुल्क का गद्दार बताने वालों, हमको इस मुल्क का गद्दार बताने वालों, हमने बंटवारे में अपनों से बगावत की है, हमने बंटवारे में अपनों से बगावत की है। अगर आपकी इजाजत हो एक नज्म, छोटी सी नज्म है, पढ़ूं? क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पढ़ना चाहिए। ये कलकत्ता बहुत ही खूबसूरत शहर है, अद्भुत तहजीब का गहवारा रहा है। पढ़ता हूँ जो कुछ भी मैंने महसूस किया 2008 में जब बटला हाउस का इनकाउंटर होता है, उस वक्त जो कुछ मैंने देखा उसको कागज़ पे उतार दिया। पढ़ रहा हूँ चार मिसरे, एक बंद पढ़ता हूँ। जातो मजहब का यहाँ कोई तरफदार नहीं, जातो मजहब का यहाँ कोई तरफदार नहीं। जैसा कि ये प्रोग्राम हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के किया जा रहा है, और आपको बता दूं कि जो नफरत करने वाले लोग हैं ये बहुत कम लोग हैं। जब तक सिकंदर नाज भाई जैसे लोग जिंदा रहेंगे, मदन मित्रा जैसे लोग रहेंगे, तब तक नफरत वाले कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि किसी शायर ने कहा था, तू पुकारेगा तो ऐ सहने
हरम आएंगे पर उड़ाते हुए नुसरत के अलम आएंगे। तो पुकारेगा तो ऐसे सहने हरम आएंगे पर उड़ाते हुए नुसरत के अलम आएंगे। अब अबाबीलों की मानिंद हम आएंगे, ये अलग बात है तादाद में कम आएंगे, ये अलग बात है तादाद में कम आएंगे। पढ़ता हूँ जातो मजहब का यहाँ कोई तरफदार नहीं, जातो मजहब का यहाँ कोई तरफदार नहीं, हम मुसलमान हैं इस मुल्क के गद्दार नहीं, हम मुसलमान हैं इस मुल्क के गद्दार नहीं। बंद पढ़ता हूं सुनिएगा, सबके कहने से तो हकदार नहीं हो सकते, सबके कहने से अपनी मिट्टी के गुनहगार नहीं हो सकते, सबके कहने से तो हकदार नहीं हो सकते, अपनी मिट्टी के गुनहगार नहीं हो सकते, जिनके पुरखों ने लहू से तुझे सींचा भारत, उनके बच्चे कभी गद्दार नहीं हो सकते, उनके बच्चे कभी गद्दार नहीं हो सकते। कौन कहता है कि इस देश के हकदार नहीं। आखिरी बंद पढ़ता हूं, यहां से बैठे हुए हैं जो यहां से लेके वहां तक लोग हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, सबका नाम तो नहीं ले सकता हूं, पूरी कलकत्ता की नजर करता हूं, और यकीन जानिए कलकत्ता में इससे पहले कभी इतनी भीड़ नहीं देखी सिवाय कमरहट्टी के। पढ़ रहा हूं, बहुत अफसोस होता है कि हमारी नौजवान नस्लें जो है अपनी तारीख को भूलती जा रही हैं, और अब तो हद ये हो गई है कि उर्दू जुबान को एक धर्म से जोड़ के देखा जा रहा है। जबकि मैं आपको बता दूं जो मेरे हिंदू भाई हैं यहाँ पे, कि उर्दू किसी धर्म की जुबान नहीं है, उर्दू जुबान नहीं बल्कि एक तहजीब का नाम है। और यह सच है कि जो कौमें अपनी तहजीब को भूल जाती हैं उन कौमों में इंकलाब नहीं अजाब आता है। पढ़ रहा हूँ आखिरी बंद है, जिस तरह हम हैं मिटे खुद को मिटा कर देखो, जहां थैली पे लिए सर को कटा कर देखो, जिस तरह हम हैं मिटे खुद को मिटा कर देखो, जहां थैली पे लिए सर को कटा कर देखो, 865 बरस हमने हुकूमत की है, जाओ इस मुल्क का इतिहास उठा कर देखो, जाओ इस मुल्क का इतिहास उठा कर देखो, कौन कहता है कि इस देश के हकदार नहीं, हम मुसलमान हैं इस मुल्क के गद्दार नहीं। अस्सलाम।